Advisor Dr. Ali Anwar Qureshi, basically from Latur, Maharashtra. आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन मैं तैयार करके लाया हूँ. आज के सेशन में हम बात करेंगे हार्ट डिसीज के बारे में. हार्ट डिसीज के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये उसके ऊपर जानकारी लेंगे कि हार्ट डिसीज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है. सबसे बड़ा कारण है हार्ट डिसीज होने का, उसके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब चर्बी जो जमा होती है, जिसको हम LDL बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में लो डेंसिटी लिपिड ऐसा कहा जाता है, ये होने का सबसे बड़ा कारण जो है आजकल का डायट्री इशू है. डायट्री सप्लीमेंट, डाइट हम क्या खा रहे हैं. हमारे जो सामने जो ऑब्जर्वेशंस में जो इश्यूज आए हैं कि सब में ज़्यादा लोग जो हार्ट के प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है, जिसको डिसलिपिडेमिया बोलते हैं, उसके अंदर जो है सब में ज़्यादा पेशेंट्स को जो हमने ऑब्जर्व किया है कि सब में ज़्यादा लोग जो हैं भैंस का दूध का सेवन बहुत करते हैं. भैंस के दूध का सेवन बहुत करते हैं, इसमें चर्बी जो है बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, चर्बी जो है शरीर में की बढ़ती है. उसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. हमें भैंस के दूध पीने से बहुत से इश्यूज हैं, जैसा कि वो पीने से नींद बहुत आती है, जो कि वो एक्चुअल में बहुत हानिकारक है. जिसको नींद नहीं आती उसको दे सकते हैं, लेकिन चर्बी का इशू उसमें बहुत बड़ा है. अगर चर्बी आपकी बढ़ रही है तो उससे बहुत ही नुकसान होते हैं. आपका फैट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा. उस कंडीशन में आपको जो है बहुत सी टेक्निक, बहुत से प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ेगा कि भैंस का दूध ये जो है सब में पहले बंद करना होगा, और जो है गाय का प्योरीफाइड दूध, पास्चराइज दूध आपको वापरना पड़ेगा. दूसरी सब में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मांस में जो अलग अलग प्रकार के जो मांस हम खाते हैं उसमें भी कई प्रकार के जो है चर्बी होती है, तो उस मांस की चर्बी को भी हमें अवॉइड करना होगा. अलग अलग प्रकार की जो भी चर्बी हम खाते हैं वो सब चर्बी को हमको अवॉइड करना होगा, जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसको हम LDL बोलते हैं. अब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होता है उस पर हम गौर करेंगे. सभी पेशेंट से मैं ये इंतजार करता हूँ कि वो गौर से सुने कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो है अपने जो हार्ट के वेसल्स हैं, उसका जो वेसल का जो ल्यूमेन है, उसकी जो पाइप है, पाइप के जैसा हम समझेंगे उसको, तो जो पाइप है उसके अंदर का जो जगह है जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, वो कम कम होते जाता है. ठीक है, तो कम होने के बाद जो है ब्लड फ्लो जो है, जो हमें पूरे बॉडी में जो फैलाना है, जो हार्ट को जो ब्लड फ्लो होना है, वो प्रॉपर नहीं होता. अब प्रॉपर ब्लड फ्लो वहाँ पर नहीं होने की वजह से जो है वो हार्ट का वो हिस्सा जो है नेक्रोस्ट होना शुरू होता है. ठीक है, नेक्रोस्ट होना शुरू होता है. नेक्रोस्ट मीन्स आगे चल के वो सेल डेथ होता है, और वहाँ पे जो है कार्डियक अरेस्ट, MI, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ऐसे जो कंडीशन है, हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं, ऐसे कंडीशन में आता है. तो ऐसे कंडीशंस में हमें जो है प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल करना होगा. इसमें और बहुत से कंडीशन भी इन्वॉल्व हैं. अगर आपको इसमें हार्ट अटैक जब आता है MI, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आता है, उसमें लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होता है. लेफ्ट साइड चेस्ट पेन एसोसिएटेड विद बहुत ज़्यादा पसीना आना, और एसोसिएटेड विद लेफ्ट हैंड पेन. ऐसे अगर सिम्टम आप में है तो वो पेशेंट को ये समझना चाहिए कि वो उसको हार्ट अटैक आया है, और वो इमीडिएटली वो जो है हॉस्पिटल्स को जाके ECG करना चाहिए. और अगर घर पे आपके एस्प्रिन टैबलेट हो, क्लोपिडोग्रेल टैबलेट हो, एट्रोस्टेटिन टैबलेट हो, ठीक है, या सॉर्बिट्रेट हो, ये चारों चीज़ें आप खाकर इमीडिएटली हॉस्पिटल को जाए, या प्राइमरी सेंटर में चार चीज़ें वो डॉक्टर ने देना चाहिए, और इमीडिएटली उसको टर्शरी केयर सेंटर में शिफ्ट करना चाहिए ECG कर. अगर ECG में चेंजेस हैं, अगर उसको हार्ट अटैक आया है, तो उसको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल में आगे की ट्रीटमेंट दी जाती है. अब ये हार्ट के इशू में चेस्ट में जब हम बात करते हैं तो इसमें अस्थमा बोलकर भी एक डिसीज होता है. ठीक है, जिसमें जो ल्यूमेन है, जो ब्रोंकियल ट्रीज हैं, उसमें भी जो है इन्फ्लेमेशन आता है. ठीक है, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है, तो वो भी हमें रूल आउट करना होता है. तो चर्बी के जो है बहुत से कारण हैं, बहुत से रीज़न हैं. ठीक है, माई फ्रेंड्स, ऑल माई पेशेंट्स, प्लीज़ लिसन केयरफुली.
अगर आपको ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, तो आपको जो है, अगर आपको शुगर है, अस्थमा है, तो आपको जो है इस कंडीशन में बहुत अपना ध्यान रखना होगा, बार बार आपको चेकअप करना होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम एक प्रोडक्ट आपको वहाँ पर हम एक गाइड करते हैं, एक प्रोडक्ट हम आपको एडवाइस करते हैं, वो है ओमेगा 3। ये ओमेगा 3 है दोस्तों, प्रोएन इंटरनेशनल कंपनी का ओमेगा 3 है। ये ओमेगा 3 अगर कोई भी बंदा 3 महीने खा ले, तो उसका जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो भी एलडीएल बढ़ा हुआ है, वो घट जाएगा दोस्तों। किसी भी पेशेंट का एलडीएल अगर घट जाए, तो उसका एचडीएल बढ़ता है, जो कि वेसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एलडीएल अगर घट जाएगा, तो उसको ना दम लगेगा, ना उसका बीपी बढ़ेगा, ना उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना उसको आगे चल के स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक, EMI, ऐसे चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो 3 महीने अगर ये ओमेगा 3 खाएंगे, तो ये एकदम आपके लिए बेस्ट काम होगा। ये क्या करता है, उस जगह का जो ल्यूमन का जो ल्यूमन में जो उसका जो ल्यूमन कम हुआ है, ठीक है, ल्यूमन कम क्यों होता है, उस ल्यूमन के अंदर चिकनाहट होना बहुत जरूरी है। अब वो चिकनाहट आज के डाइट में हमें नहीं मिल रहा है, उसी की वजह से मैक्सिमम पेशेंट्स को हार्ट अटैक आ रहा है, EMI आ रहा है। 30-30 साल के, 30 से 35 साल, 30 से 40 साल के बीच में के लोगों को भी आज अटैक या EMI ये आ रहा है। माय फ्रेंड्स, सभी पेशेंट्स ये ध्यान दें, क्यों आ रहा है, क्योंकि आज के डाइट में हमें जो ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 3 जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ओमेगा 3 ये का क्या काम करता है, जो भी हमारे हार्ट के वेसल्स हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, वहाँ पर जो चिकनाहट होती है, जिसको हम लवचिकपना बोलते हैं, जो लुब्रिकेशन होना चाहिए, चिकनाहट होना चाहिए, वो चिकनाहट वहाँ पे नहीं होती है। अगर हार्ट के वो वेसल्स में चिकनाहट होंगी, तो वहाँ पे ब्लॉकेज या फैट का जमा होना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमारा ये ओमेगा 3, ये कंपनी का ओमेगा 3 जो है, उस जगह की जो भी चिकनाहट कम हुई है, उसको बढ़ाता है। अगर इस ओमेगा 3 को अगर आप देखेंगे, तो इस पर क्लियरली लिखा हुआ है, इसके 3 फंक्शंस क्लियरली लिखे हुए हैं। इसमें एक है हेल्दी हार्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और प्रमोट वेट लॉस, ऐसे 3 चीज़ें ये प्रोडक्ट करता है। ये प्रोडक्ट अगर ऐसे 3 चीज़ें कर रहा है, ये जॉइंट पेन में काम में आता है, हार्ट में काम में आता है, ब्रेन में काम में आता है। ये 3 चीज़ें अगर किसी इंसान की परफेक्ट हो, और कहीं पर भी सूजन हो, एनी वेयर देर इज इन्फ्लेमेशन, दिस प्रोडक्ट विल रिड्यूस दैट इन्फ्लेमेशन। इट इज़ परफेक्ट फॉर ब्रेन, परफेक्ट फॉर हार्ट, परफेक्ट फॉर जॉइंट, एवरीथिंग। ये जो है ओमेगा 3 प्रोएन इंटरनेशनल का, इसमें 60 कैप्सूल्स होते हैं, और इसकी कीमत है 1375 फॉर 1 मंथ। अगर 1 महीने में 1375 आप खर्चा करते हो, तो ये कुछ बड़ा इशू नहीं है, कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। और 3 महीने में अगर 4-5 हज़ार भी आपके खर्च हो रहे हो, वही बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपको जो हेल्थ मिलने वाली है, वो सोचिए। तो कम से कम ये 3-4 महीने अगर किसी भी हार्ट के पेशेंट ने ये ओमेगा 3 खा लिया, तो उसके जो वहाँ पे जो ब्लॉकेज है, उसके वहाँ पे जो ब्लॉकेज आया हुआ है, जो भी वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, वो सब वॉश आउट हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और वहाँ पे जो है एक चिकनाहट आ जाएगी, जो ओमेगा 3 की चिकनाहट आती है, वो वहाँ पे आ जाएगी। ये प्रोडक्ट जो है फ्लैक्स सीड से बना हुआ है, फ्लैक्स सीड, अच्छी तेल जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे बना हुआ है। और ये इसकी 1 कैप्सूल नियरली 1000 मिलीग्राम है दोस्तों। 1000 मिलीग्राम मीन्स 1 ग्राम, 1 कैप्सूल इज इक्वल टू 1 ग्राम, विच इज परफेक्ट डोज। बहुत से लोग बोलते हैं कि ओमेगा 3 दूसरे टेबलेट्स में भी है, ऐसा है वैसा है, तो वो भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, लेकिन वो डोज जो है इस डोज को मैच नहीं करता। जो प्रॉपर डोज आपको होना है, वो है इस में है। तो मैक्सिमम डोज अगर आप रिसीव करेंगे, तभी आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है और ओमेगा 9 भी है, ऐसे 3 कंटेंट इसमें है। मैक्सिममली ओमेगा 3 है, ये वेजिटेरियन ओमेगा 3 है, फ्लैक्स सीड से बना हुआ है, तो डेफिनेटली वेजिटेरियन है। इसमें टोकोफिरॉल भी है। अगर ये चीज़ें आप खाएंगे, तो आपको ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा।